आलू की सब्जी, आलू दम टाइप की है। और ये दाल है मैंने। परिवार का एक असूल है कि बीमार नहीं होना। तो फाइनली अभी मैं आपको इवनिंग में मिल रही हूँ। अभी शाम का हो रहा है 6 और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी तो यहाँ पे पूरा कपड़ा रखा हुआ है। जो कर्टन्स वगैरह मैंने उतारे थे ना माही के रूम में, वही रखा हुआ है। तो मैं इसको ना कल वॉश करूँगी, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे घर में काम रहते हैं, इसलिए कपड़ों को ना मैं इकट्ठा करके और आराम से वॉश करती हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ नीमकी। बहुत दिन हो गया नीमकी खाए हुए, तो माही ने बोला कि मम्मा खाना आटा सान के मैंने रख लिया है, बस अभी बना। सुबह में ना पूरा किचन क्लीन हुआ है, लेकिन अभी किचन का हालत देख सकते हो, इवनिंग का टाइम है और फिर से पूरा किचन गंदा हो गया है, फैला हुआ है, बर्तन वगैरह सारा धोना है। तो ऐसे किचन ना दिन भर में तीन बार गंदा होता है, एक मॉर्निंग में जब खाना बनता है तब, एक इवनिंग में जब स्नैक्स वगैरह बनता है तब, और एक रात को। तो तीन बार, तीन में से एक बार तो मेड आ जाती है 10 बजे वाले में, जो मैंने आपको बताया है, जिस टाइम पे झाड़ू पोछा वगैरह सारा चीज़ होता है, और बाकी के 2 टाइम के बर्तन मैं करती हूँ। तो चलिए अभी शाम हो, तो अभी शाम हो रहा, अभी सारा बर्तन मैं करती हूँ। मैं सोच रही हूँ ना नीमकी साइड में चढ़ा देती हूँ, धीरे धीरे होता रहेगा, और इधर बर्तन भी वॉश करूँगी। और आज मैं फर्स्ट कॉफ़ी पी रही हूँ। नवरात्रा भी चल रहा है और मौसम बहुत ज़्यादा ना एकदम विंटरी टाइप का है, क्योंकि बारिश अभी शुरू हुई है। मैं पहले कितने बार आप लोगों को बोला करती थी ना कि बारिश कब होगा, फाइनली बारिश लगातार हो रहा है, 1-2 दिन बीच करके हो ही रहा है। प्लस मौसम थोड़ा सा अच्छा है, सुहाना है, ठंडा है, तो अच्छा लग रहा है। और इस मौसम में ना कॉफ़ी वगैरह पीने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आप लोग देख सकते हो मेरी कॉफ़ी, तो मैं ज़्यादा कड़क वाली कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, एकदम हल्का कॉफ़ी का फ्लेवर आना चाहिए। ज़्यादा एकदम क्या कहते हैं वो, बहुत ज़्यादा कड़क वाला जो कॉफ़ी होता है ना, वो मुझे पीना नहीं पसंद है। तो कॉफ़ी पीते पीते नीमकी कट करती हूँ, उसके बाद नीमकी होने दूँगी, क्योंकि नीमकी को तो धीरे धीरे पकता है ना नीमकी, तो उसके बाद बर्तन वगैरह करूँगी। मैंने मलाई निकाला, अभी दूध बॉयल कर रही थी तो उसके ऊपर जो मलाई था, तो ये सारा ये मलाई ना 15 दिन में एक बार मैं इसका घी बना डालू। और वैसे भी ना जब बच्चों को छुट्टी होता है ना तो किचन कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है। हमारी का स्कूल भी बंद हो गया दशहरा का। कोई बच्चा ऐसा होगा जो स्कूल बंद हो तो खुश ना हो, हर बच्चे खुश होते हैं स्कूल बंद होता है, लेकिन माही का जब स्कूल बंद हुआ ना दशहरा का, वो भी अचानक से, तो माही बहुत ज़्यादा दुखी और रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि उसने अपने पापा से ढेर सारा टॉफ़ी मंगवा लिया है, क्योंकि 5 अक्टूबर को उसका बर्थडे है, और क्या है कि 5 अक्टूबर को लास्ट दशहरा है, 10वीं है, तो उसी माही का स्कूल बंद है। तो माही ने सोचा था पहले ही 4-5 दिन पहले ही स्कूल में सबको टॉफ़ी बांट दूंगी, और सप्तमी से माही का स्कूल बंद हो जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है ना कि माही के स्कूल का जो रास्ता है वहाँ पे नाला वगैरह कबड़ा हुआ है, तो इसी के वजह से ना स्कूल बंद कर दिया गया है। और अभी ना हम इधर ना बहुत ज़्यादा डेंगू का शिकायत भी है, तो नाला वगैरह कबड़ा हुआ तो गंदगी बहुत सारी होगी, उसकी वजह से माही का स्कूल अचानक से बंद हो गया। सुबह में रेडी हुई है, टॉफ़ी वगैरह पापा से मंगवा ली है, और स्कूल जाने के लिए मतलब सब तैयारी कर रही थी, तो सुबह में मैसेज आया कि स्कूल बंद। तो माही बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, और उसका सारा टॉफ़ी ऐसे ही रह जाएगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारा स्कूल खुलेगा तब टॉफ़ी बांट देना। तो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं भी अपने सारे फ्रेंड्स को टॉफ़ी खिलाऊंगी। और सबसे अलग बात क्या है कि उसके पापा ने ऐसा टॉफ़ी लाया जो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बांटते हैं, सबसे अलग थोड़ा कॉस्टली वाला टॉफ़ी उसके पापा लेके आए हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और आपको पता ही होगा जब बच्चों का कोई भी एक्साइटमेंट रहता है जब वो पूरा ना हो तो कैसा लगता है, आप लोग समझ सकते हैं जिनके बच्चे हैं ना। तो मैं आपको टॉफ़ी दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि कौन सा टॉफ़ी उसके पापा लाए थे। तो चलो कोई नहीं, स्कूल खुलेगा दशहरा के बाद फिर माही टॉफ़ी बांट देगी।
से यहाँ तक किचन इज क्लीन। इनकी भी छन गया है लेकिन अभी मैंने इसको ढका नहीं है, जब ये ठंडा हो जाए ना तब मैं इसको ढक दूंगी या फिर किसी जार में पैक करके रख दूंगी, आराम से माही खाती रहेगी। माही का ये फेवरेट है और माही का छुट्टी भी हो गया है ना, तो मैंने सोचा बना के रख देती हूँ। अभी शाम का 7:30 हो रहा है, तो चलो अभी आरती वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और कल के बाद सीधे मैं आपको आज मिल रही हूँ, क्योंकि रात को ना काम वगैरह कर लो, खाना वगैरह बनाओ और खाओ, और खाने के बाद ना सीधे नींद आने लगता है, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था दोबारा रात को, तो अभी आप लोगों को सीधे मैं मॉर्निंग में मिल रही हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा टैटू का घाव भी धीरे धीरे सूख रहा है, और इसके ऊपर के लेयर जो है वो निकल रहे हैं धीरे धीरे, और माहे का तो स्कूल बंद ही हो गया आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे अभी मेरा हो रहा है एसी सर्विसिंग। गाइस तो आज ना मैं जब सुबह में सारा काम वगैरह कर रही थी, एसी वाले आ गए थे बना के चले गए ना, अचानक से ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगा था और मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई, तो आज शाम की आरती माही कर रही है, मेरा गुड़िया रानी। माही ने आज मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, मुझे ऑयल वगैरह लगाया, मेरा फीवर चेक किया, अभी मुझे ना 101 बुखार है। तो मैंने बोला बेटा शाम का आरती आज तुम कर लो, सो माही आरती का तैयारी कर रही है। चलो बच्चे होने से बहुत फ़ायदे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी मेरी बेटी ना सबसे अलग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, अपनी मम्मा का बहुत ज़्यादा केयर करती है। हाँ स्कूल जब रहता है ना तो बिजी रहती है, अभी स्कूल से छुट्टी हो गया और मैंने उसका टॉफ़ी भी नहीं दिखाया ना आपको, थोड़ी देर में माही खुद आपको टॉफ़ी दिखाएगी, कितना सारा टॉफ़ी माही का आ चुका था। लेकिन इसके स्कूल में ना कोई प्रॉब्लम आ गया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, सुनने में आ रहा है कि इसका स्कूल ना अचानक से जल गया है, शॉर्ट सर्किट, हाँ शॉर्ट सर्किट के वजह से माही बता रही है, तो इसीलिए स्कूल बंद हो गया है। पहले ऐसे सप्तमी मतलब षष्ठी तक पढ़ाया जाता, सप्तमी से ना माही का स्कूल बंद होता था, लेकिन इस बार पहले ही हो गया। तो यहाँ पे माही का पूजा, आज मेरे स्कूल का लास्ट डे होता आज, जो खाना है बाहर से आया है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इन्होंने कहा कि तुम रोटी बना लो, और चावल भी मैंने बना लिया, एक्स्ट्रा चावल लेके आ गए। और अभी मैंने दवाई खाया था शाम को, जब मुझे बुखार चढ़ा ना तो मैंने दवाई खाया था डोलो, तो बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह छूटा है, तो थोड़ा आराम मिला है मुझे। और मैंने ना पराठा बना लिया था, तो ये है मटर पनीर, और ये है आलू की सब्जी, आलू दम टाइप की है, और ये है दाल तड़का, और इधर क्या है, और ये है मंचूरियन। तो ये आज का हमारा मैं फ्यूचर में सबको सिखाऊंगी एक चीज, ये चीज की हम लोग के परिवार का एक असूल है कि बीमार नहीं होना है, टैबलेट खाओ, रात में सुतो, सुबह उठो, करो लाशों का यहाँ पे किसी को परवाह नहीं है, ये हमारा उसूल है। पापा ये कितना भी अच्छा उसूल है, दवाई खाओ।
तुम भी खाओ। क्या दिन हो गया तुम्हारा, तीसरा दिन के चौपर।